हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी दो फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिसका आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, और ये दो फिल्म दो डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होंगे। तो फर्स्ट जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे वो है मिमी, जो कि नेटफ्लिक्स और जियो स्टूडियो में दोनों में साथ साथ एक ही दिन में रिलीज़ होंगे। तो इस फिल्म का जो मेन थीम है वो है सरोगेसी, लेकिन सरोगेसी थीम बहुत सीरियस होने के बावजूद भी इस फिल्म में आप लोगों को थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा ह्यूमर टच भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसे ट्रेलर और आगे बढ़ेंगे, जो फिल्म का मेन ह्यूमन इमोशंस है सरोगेसी को लेके जो एक इमोशनल पॉइंट दिया हुआ है वो आपको ट्रेलर के एंड में देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे से यहाँ पे डायरेक्टर ने वो थीम को यूज़ किया है। लेकिन इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो 3 मिनट है, और 3 मिनट में मुझे लगता है कि फिल्म का मैक्सिमम जो पोर्शन, जो मेन पार्ट था, उन्होंने कुछ कुछ दिखा दिया है। और आपको ये ट्रेलर देखने के बाद पूरा फिल्म का क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस फिल्म में कॉमेडी और ह्यूमर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पंकज त्रिपाठी है इस फिल्म में, और उनका कॉमिक टाइमिंग मुझे ट्रेलर पे बहुत ही बढ़िया लगा। शुरू से लेके एंड तक वो जितने जितने भी डायलॉग देंगे यहाँ पे, इतने अच्छे से उन्होंने कॉमिक टाइमिंग को मेंटेन किया है कि आपको हंसी आएंगे उनका रोल देखने के बाद। और इस ट्रेलर में भी जो शुरू होगा वहाँ पे आप लोगों को एक गाना देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है ये फिल्म जब रिलीज होगा ये गाना भी पॉपुलर हो जाएगा, जैसे लूडो में हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे कृति सनोन, जो लीड कास्ट है इस फिल्म में, उन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और मुझे लगता है इस फिल्म के साथ कृति सनोन का शायद दिस विल बी वन ऑफ आवर करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि जो थीम यहाँ पे यूज किया है मुझे लगता है कृति सनोन को एक्टिंग करने में बहुत स्कोप मिलेंगे। और यहाँ पे इमोशंस भी एक मेन पॉइंट होंगे, तो लेट्स सी इमोशंस वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे शो करते हैं इस फिल्म पे। लेकिन ओवरऑल मुझे ये जो ट्रेलर था बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली एज यूजुअल द कॉमिक टाइमिंग, द कॉमेडी एंगल। तो ये फिल्म जियो स्टूडियो और नेटफ्लिक्स पे 30th of July रिलीज होंगे। लेकिन इस फिल्म में एक और जो अच्छी बात मुझे लगा वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, और इस फिल्म का जो गाना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि एआर रहमान इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर है। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है वो है मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजयन। तो दिनेश विजयन इससे पहले बहुत ही अच्छे अच्छे सोशल इश्यूज को लेकर उन्होंने फिल्म किया हुआ है, जिससे पहले उन्होंने बाला किया था, बधाई हो किया था। तो इसके लिए मिमी फिल्म के ऊपर एक अलग से एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, तो देखते हैं ये फिल्म कैसा होता है। नेक्स्ट जो फिल्म के बारे में बात करेंगे वो है सरपट्टा परम बड़ाई, जो कि अमेजन प्राइम पे रिलीज होंगे 26th of July को। और इस फिल्म में आर्या लीड रोल पे है। फिल्म में आप लोगों को बॉक्सिंग देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को ये लग सकता है कि शायद ये फिल्म का जो थीम है, जो कंटेंट है, वो टू सम एक्सटेंट बॉलीवुड भी जो अभी तक बॉक्सिंग में गए हुए हैं उन लोगों से थोड़ा सिमिलैरिटीज होगी। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इस फिल्म का जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, और स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, नॉट लाइक दोज बॉक्सिंग मूवीज विच वी यूज टू वॉच इन बॉलीवुड। यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल रूट जो बॉक्सिंग होता है इंडिया में, जो गाँव पे बॉक्सिंग हम लोग देखते हैं, या फिर जो पुराने ज़माने में जैसे बॉक्सिंग टूर्नामेंट होते थे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस फिल्म का जो स्टोरी है वो मतलब टाइमलाइन है वो बहुत पुराने ज़माने का है, आपको इस फिल्म का कलर पैलेट, कॉस्ट्यूम सेटअप सब कुछ देखने से पता चलेगा। इसी वजह से ये जो ट्रेलर था मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग थीम है लेकिन इसका जो स्टोरी है वो बहुत अलग है। एकदम ग्राउंड लेवल पे बॉक्सिंग कैसा होता है, बॉक्सर का लाइफ कैसे होता है, ये आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म का डायरेक्टर है P.A. रंजीत, और एज यूजुअल आर्या वॉज लुकिंग जस्ट फैंटेस्टिक इन दैट कैरेक्टर। उन्होंने जिस तरीके से बिल्डअप किया है अपने आप को, ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन ही डिड वॉज सुपर्ब, जो ट्रेलर पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बीजी बहुत ही खतरनाक था इस ट्रेलर के साथ, जिस तरीके से वो BGM यूज किया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ट्रेलर देखने में। और इसका जो लुक एंड फील था, जो एग्जीक्यूशन था, कलर पैलेट एज मैंने कहा था, वो आपको एक पुराने मूवी जैसे बनते थे उस तरीके का एक वाइब्स, उस तरीके का इस फील आपको देगा। तो देखते हैं ये सरपट्टा परम्पराए मूवी कैसे होता है। लेकिन इस फिल्म का भी ट्रेलर 3 मिनट 14 सेकेंड का था, जो कुछ हद तक फिल्म में क्या होगा, क्या होने वाला है, वो मैक्सिमम आपको 3 मिनट में देखने से ही पता चल जाएगा। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि आजकल का फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज होता है वो 3 मिनट का ट्रेलर क्यों बनाते हैं, मतलब इतना पेशेंस लेके आपको ये ट्रेलर देखना होगा, और ट्रेलर से ही आपको पता चल जाएगा कि फिल्म में क्या होगा। लेकिन दिस मूवी सीम्स टू बी एन एक्सेप्शन, आई एम ईगरली वेटिंग टू वॉच दिस फिल्म, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने मिमी और सरपट्टा परम्पराए का ट्रेलर देख लिया है तो मुझे जरूर बताना कैसा लगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।